नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं इस एम प्रो के सेट को बनाने जा रहा हूँ। एम प्रो का M4200 मॉडल है। इसमें फॉल्ट है कि ये एक चैनल प्रोटेक्ट में जा रहा है, जबकि इसका जो है कि स्पीकर प्रोटेक्शन वर्क तब करता है जब स्पीकर पे डीसी सप्लाई आती है, तब ये प्रोटेक्ट काम करता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि स्पीकर पे कोई डीसी सप्लाई नहीं है, फिर भी प्रोटेक्ट में जा रहा है। तो उस प्रॉब्लम का कई बार होता है, ये जो आईसी होती है प्रोटेक्ट के लिए, आईसी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया गया है, तो ये आईसी गड़बड़ सकती है। लेकिन फिलहाल में मैंने जो चेक किया है, तो ये आपका जो 10K का रेजिस्टेंस है, ये 10K का रेजिस्टेंस ओपन हो गया है। तो अभी मैं इसको चेंज करता हूँ और चेंज करके मैं आपको दिखाऊँगा कि इसमें प्रोटेक्ट का प्रॉब्लम आता है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसा कि मैंने इसमें ये रेजिस्टेंस मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ 10K का रेजिस्टेंस मैंने लगाया है। अब देख सकते हैं यहाँ 10K का रेजिस्टेंस है। अब मैं इस सेट को ऑन करता हूँ और अब ये प्रोटेक्ट छोड़ देगा। पहले ये प्रोटेक्ट नहीं छोड़ रहा था, तो अब ये प्रोटेक्शन की LED बंद हो गई। अभी मैं इस रेजिस्टेंस को अगर छोड़ा दूंगा तो ये वापस से प्रोटेक्ट पे चलाएगा। तो कई बार लोग ये IC चेंज करते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। बहुत लोग इस पर केयर नहीं करते हैं, IC सही होती है और ये सारे सामान चेंज करने लगते हैं। तो इसमें कई बार होता है प्रोटेक्ट ना छोड़ने का, एक ये रेजिस्टेंस 10K और दूसरा आपका यहाँ एक 4007 डायोड लगा है। यहाँ आप देखेंगे मेरे फिंगर पास, यहाँ पे एक 4007 डायोड लगाई है। ये जो 4007 डायोड है, कई बार ये जो है कि ओपन हो जाता है, ये ओपन हो जाएगा तो इसमें भी जो है कि आपका प्रोटेक्ट में चला जाता है, या शॉर्ट भी हो जाएगा तो अब ये प्रोटेक्ट में है, ये सिग्नल नहीं देगा तो ये प्रोटेक्ट में ही रहेगा। तो ये तो मैंने ओके कर दिया है। अब मैं इसको बजाता हूँ। इसमें एक और प्रॉब्लम थी, क्लास H है। तो क्लास H में होता क्या है कि ये जब बजता है तो ये जो क्लास H की 120 की सप्लाई है, मैं आपको दिखाऊंगा।